अतीक और अशरफ की हत्या पर एफआईआर दर्ज करने की बड़ी खबर मिल रही है और इसी से बात की शुरुआत करेंगे। अतीक और अशरफ की कल रात जो हत्या हुई उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। प्रयागराज के शाहगंज थाने में हत्या पर एफआईआर दर्ज करने की खबर फिलहाल हमें मिल रही है। ये ताजा अपडेट इस सारे प्रकरण से जुड़ा हुआ इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। ये एफआईआर दर्ज हुई है प्रयागराज के शाहगंज थाने में, हत्या पर जो कल रात को अंजाम दी गई उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। यह बड़ी अपडेट, रात करीब 10 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई अतीक अहमद की और उसके भाई अशरफ की, और उस हत्या पर एफआईआर शाहगंज थाने में प्रयागराज के दर्ज की गई है। यह इस वक्त की ताजा और बड़ी खबर हमें मिल रही है। वारदात को 3 हमलावरों ने अंजाम दिया, कई राउंड उन्होंने फायरिंग की ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियारों से, और उस हत्या पर प्रयागराज के शाहगंज थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। ठीक जिसे कहते हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो हत्या की गई, कैमरे के सामने, मीडिया के कैमरों के सामने, मीडिया के लोगों की मौजूदगी में लाइव उसकी एक तस्वीर, उसका एक फ्रेम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, और इसी हत्या पर प्रयागराज के शाहगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमारे तमाम संवाददाता इस पर लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, कल रात से ही लगातार हम आपको इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम वीरेश का रुख करेंगे। वीरेश, जो एफआईआर दर्ज की गई है ये क्या है, इसकी भाषा क्या है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी मिल पाई है? वीरेश, देखिए एफआईआर जो दर्ज की गई है उसको मैं बताता हूं कि अतीक और अशरफ की जो एफआईआर है शाहगंज थाने में दर्ज की गई है। शाहगंज का जो कोतवाल है, थाना अध्यक्ष है, अब से लगभग 20 मिनट पहले यहां पर आया था। उन्होंने हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की। एफआईआर में ये लिखा है कि ये तीनों आए हैं, तीनों आकर उन्होंने इस तरह की हत्या को अंजाम दिया है। और एफआईआर के साथ साथ एक और बड़ी आपको खबर दे दूं कि क्राइम ब्रांच जो पूछताछ कर रही है हमीरपुर, बांदा और कासगंज में, वहाँ के एसपी और वहां के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे इनके बैकग्राउंड, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को मंगा रही है, खंगाल रही है। और बड़ी खबर ये आ रही है कि 10 बजे, एक और बड़ी खबर आपको दे दूं कि होम मिनिस्ट्री ने रात में, यानी एमएचए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी गृह मंत्रालय से प्रयागराज शूटआउट मामले पर रिपोर्ट मांगी थी, वो रिपोर्ट 10 बजे, आज सवेरे 10 बजे के लगभग दे दी जाएगी। और आपको तीसरी बड़ी खबर दे दूं राजेंद्र, चूंकि अभी आप जुड़े हुए हैं, तीसरी बड़ी खबर है कि 3 बजे के करीब यहां डीजीपी जो कार्यवाहक हैं आर के विश्वकर्मा, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार और संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव गृह हैं, यानी प्रदेश के तीनों बड़े आला अधिकारी, कानून व्यवस्था के अलंबरदार प्रयागराज में मौजूद हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रयागराज शूटआउट मामले में कड़ियां लगातार आगे बढ़ रही हैं, जुड़ रही हैं। और जो सबसे बड़ी खबर चौंकाने वाली आ रही है, बड़े तथ्य आ रहे हैं पूछताछ में, और वो तथ्य आ रहे हैं, तीनों ने कहा कि हम मर भी जाते तो कोई गम नहीं, हम मरने या मारने आए थे। पूछताछ में उन्होंने इस बात को कहा है, लगभग 1 हफ्ते पढ़ाई भी की है उन्होंने, और 1 महीने पहले उन्होंने यहाँ के एक प्रसिद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के रूप में सिविल सर्विसेज के मद्देनज़र एडमिशन भी लिया था। और सबसे चौंकाने वाला बात है कि इंटेलिजेंस कहाँ था, इंटेलिजेंस पूरी तरीके से यूपी का फेल है। प्रयागराज शूटआउट मामले के दरमियान भी इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल था। जो डीजीपी थे कार्यवाहक चौहान साहब, चौहान साहब के पास ही इंटेलिजेंस भी था, विजिलेंस भी था, और डीजीपी भी थे, जो बताते थे वही उन्हीं को करना था, उन्हीं को तय करना था। अगर हम ही को बताना हो कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो हम अपने बारे में तो हमेशा सही ही बताएंगे ना। तो इस पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी चौहान के ऊपर थी, वही चौहान विजिलेंस भी थे, वही चौहान इंटेलिजेंस भी थे, वही चौहान डीजीपी भी थे, सब कुछ उन्हीं के पास था। इंटेलिजेंस पूरी तरीके से प्रयागराज शूटआउट मामले में फेल हुई थी, और कल भी रात में जब हत्या हुई है उस वक्त भी इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल है। प्रयागराज के इस घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। जो खबर आ रही है
सोर्सेज से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंटेलिजेंस के फेल्योर होने से बेहद नाराज हैं। रमेश शर्मा जो पुलिस कमिश्नर हैं प्रयागराज के, उनके ऊपर गाज गिर सकती है, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। जी हाँ, पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा पर कभी भी गाज गिर सकती है। रमेश शर्मा की जवाबदेही तय होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के मद्देनजर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, जिस तरीके से अभी आप आज संडे का वक्त है इसलिए कोर्ट कचहरी का मामला भी बनता है, जिस तरीके से टिपका टिप्पणी हो रही है, उसके बाद नाराज मुख्यमंत्री ने तल्ख आवाज में डीजीपी आर के विश्वकर्मा और जो प्रमुख सचिव गृह हैं संजय प्रसाद से कहा है कि इंटेलिजेंस फेल्योर की पूरी रिपोर्ट दी जाए। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पूरी तरीके से अलर्ट है। केंद्रीय गृह सचिव ने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद से टेलीफोनिक वार्ता की है। जी हाँ, आज सुबह 6:10 पर केंद्रीय गृह सचिव ने प्रयागराज शूटआउट मामले पर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद से 6:10 पर सुबह टेलीफोनिक वार्ता की है। सोर्सेस से बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय गृह सचिव ने बात की है संजय प्रसाद यूपी के गृह सचिव से 6:10 पर, और रात में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है यूपी सरकार से प्रयागराज शूटआउट मामले पर। आज सुबह 10 ये रिपोर्ट देनी है। इंटेलिजेंस बुरी तरीके से फेल है, फेल्योर इंटेलिजेंस को लेकर चिंतित मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है आला अधिकारियों से, जो यूपी के आला अधिकारी हैं आरके विश्वकर्मा। जी हां, आरके विश्वकर्मा, संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार इस शहर में मौजूद हैं। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूछताछ में चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं, चाहे वो बांदा निवासी तिवारी हो या मौर्या हो या जो सनी है कासगंज का, वो कह रहा है कि हमने 1 पहले यहाँ पर परीक्षार्थी के तौर पर, विद्यार्थी के तौर पर यहाँ के एक प्रसिद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। 1 के लगभग उसने पढ़ाई भी की है, और पढ़ाई के दरमियान बड़ी खबर ये आ रही है कि उन मासूम बच्चों के साथ इन हत्यारों ने पढ़ाई की। इंटेलिजेंस कहाँ था? कल पूरी तरीके से मीडिया के वेश में आई कार्ड लटकाकर घुस के उन्होंने हत्या की। और चौंकाने वाली बात, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में अशरफ और अतीक की हत्या कर देते, हम मार देते, क्योंकि अशरफ और अतीक के बीच में दूरी बहुत थी। हम इस मौके की तलाश में थे कि अशरफ और अतीक पास कब आएंगे, नजदीक कब आएंगे। कल वो मौका आया इस घटना स्थल पर जब अतीक और अशरफ नजदीक आ गए, यानी दोनों बाइट, मीडिया की बाइट लगी और दोनों बाइट देने के अंदाज में आ गए। अतीक लगातार बाइट देने की कोशिश कर रहा था और अशरफ का जो सर था वो भी नजदीक था, दोनों का जो शरीर था आपस में आसपास था। और ऐसे में उनका पूछताछ में कहना है कि इसी वक्त का इंतजार हमें था और वो वक्त आ गया जब हम उसके ऊपर हम हमलावर हुए, क्योंकि हम मरने और मारने से हमें कोई डर नहीं लगता। और इस लिहाज से ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस लिहाज से। वीरेश, क्यों, क्या ये समझ में आ रहा है? चौंकाने वाले खुलासे हैं, सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, आप जो बता रहे हैं, सुबह सुबह जो दर्शक इस वक्त एबीपी गंगा देख रहे हैं, ये उनको जो है बिल्कुल ऑन टोस कर सकती है ये बातें। आप कह रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं पुलिस को कि हम मारने और मरने ही आए थे, अगर हमारी जान चली जाती तो कोई गम नहीं था, हम मरने की तैयारी के साथ मारने के लिए आए थे। आप ये भी बता रहे हैं कि कोर्ट में भी हत्या करने के लिए वो तैयार थे, लेकिन वो खुद पुलिस को बता रहे हैं कि अतीक और अशरफ के बीच में कोर्ट कैंपस में दूरी बहुत थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाए। इसका मतलब ये वीरेश कि वो अपने इन ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियारों के साथ कोर्ट के प्रमाइसेस में थे प्रयागराज की, और पुलिस को पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने अटेम्प्ट किया, तब जब उसको मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कल रात को लाया गया, और इस बार वो अपने इन इरादों में कामयाब रहे। वीरेश, निश्चित रूप से एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको मैं बताऊं कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, उमेश पाल एनकाउंटर मामले में आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश जोरों पर कर दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अतीक अहमद और अशरफ ने गोली मारी जाने से पहले आखिरी बयान में गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था। अतीक ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया ही था कि उसके ऊपर गोली चल गई थी। गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही गोली चल गई थी। जो खबर पंजाब के हवाले से आ रही है, जो पाकिस्तान के हवाले से आ रही है, जो विदेशी जो
शक्तियों के हाथ होने की खबर आ रही है। कुछ इसमें नाम पंजाब के जो माफिया जेल में बंद हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं कि आखिर जो द्रोण के जरिए पाकिस्तान के जरिए हथियारों की खेप अतीक और अशरफ के पास पहुंचती थी उस खेप में कहीं नाम का खुलासा ना हो जाए। गुड्डू मुस्लिम वो की पॉइंट था, अगर हम कह सकते हैं की प्लेयर था गुड्डू मुस्लिम, उसका नाम अतीक के जुबान पर आते ही उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये भी एक चौंकाने वाला तथ्य है, सीएम दफ्तर के अधिकारियों में गुड्डू मुस्लिम को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। सोर्सेस से लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दूं, गुड्डू मुस्लिम को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गुड्डू मुस्लिम को पूरी तरीके से कहीं घेर लिया गया है, ये खबर आ रही है। उमेश पाल एनकाउंटर मामले के आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश जोरों पर है और ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी और डीएम संजय खत्री लगातार पुराने शहर में गश्त कर रहे हैं। अब से कुछ 25 मिनट पहले, जी हां 25 मिनट पहले रमेश शर्मा, आकाश कुलहरी और यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संजय खत्री गश्त करते हुए हमें दिखाई पड़े थे, दर्शकों को हमने दिखाया था। अभी अभी दर्शक जो एबीपी गंगा से जुड़े हैं उनके लिए बड़ी खबर है, पुलिस की टीमें लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं, पुराने शहर को खास फोकस किया गया है, शहर को 6 जोन में बांटा गया है। जी हां, पूरे प्रयाग को 6 जोन में सुरक्षा के मद्देनजर बांटा गया है और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो महत्वपूर्ण है। गुड्डू मुस्लिम के हवाले से सीएम दफ्तर के अधिकारियों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, गुड्डू मुस्लिम को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है क्योंकि अतीक ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, उसी दरमियान उसके ऊपर फायर हुआ, उसके ऊपर अटैक हुआ। गुड्डू मुस्लिम नाम लेता है और उसके ऊपर अटैक होता है। गुड्डू मुस्लिम का नाम लेने के साथ ही जो सीएम दफ्तर के कार्यालय से हमारे पास जो सोर्सेस पे खबर आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम की भी घेराबंदी कर ली गई है। आप बता रहे हैं अपने गुड्डू मुस्लिम, आप जो बता रहे हैं दर्शकों को मैं फिर से बता दूं, आप एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट दे रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम जिसका नाम कल लिया ही था, अभी मीडिया के कैमरों के सामने अतीक अहमद ने कि उसे गोली मार दी गई, उसकी तलाश तेज हो गई है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसकी तलाश भी तेज कर दी गई है। लेकिन मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस पूरे प्रकरण पर लगातार हमारे दर्शकों को अपडेट करते रहे हैं, इस वक्त भी उनके पास कोई ताजा अपडेट है? मोइन, ताजा जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, दो तीन ताजा अपडेट है वो हम बता देना चाहते हैं अपने दर्शकों को। एक तो अतीक और अशरफ की रात को 10:34 पर हत्या हुई है, उस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। चूंकि परिवार का कोई सदस्य सामने नहीं आया था, परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई थी, लिहाजा पुलिस ने इस मामले में अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज की है। प्रयागराज का जो शाहगंज थाना है, शाहगंज थाने में देर रात एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें पूरी घटना का जिक्र किया गया है कि पुलिस टीम की टीम के जो है वो अतीक और अशरफ को लेकर मेडिकल की जांच के लिए पहुंची थी, मेडिकल परीक्षण के लिए पहुंची हुई थी और उस वक्त तीन हमलावर आते हैं और ये तीनों हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो जो पूरी घटना हुई थी जिसे हमने लाइव जो उसका वीडियो सामने आया था एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाया था हम लोगों ने, और उसी घटना को आधार बना करके एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि हमलावरों के नाम का बहुत जिक्र उसमें नहीं किया गया है, ये बताया गया कि तीन हमलावर आए थे और इन तीन हमलावरों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया और इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। दूसरी खबर यह है कि अतीक और अशरफ के शवों का पोस्टमार्टम सुबह करीब 11 बजे किया जाएगा, इस तरीके की जानकारी मिली है। हालांकि प्रयागराज की बात करें तो यहां रूटीन तौर पर 11 बजे के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होता है, लेकिन अगर विशेष निर्देश दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से तो ये पोस्टमार्टम कभी भी किया जाता है, देर रात भी किया जा सकता है, सुबह इससे पहले भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य महकमे के एक बड़े अधिकारी ने अभी हमें बताया है कि विशेष आदेश कोई जारी नहीं हुआ है, यानी सुबह 11 बजे ही पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी ने बताया कि उनकी तैयारियां पूरी हैं और यह भी बताया कि 5 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा, वीडियोग्राफी कराई जाएगी और साथ ही साथ अतीक और अशरफ के जो शव हैं उनकी पूरी तरीके से स्कैनिंग कराई जाएगी, यानी एक्सरे कराया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि शरीर में कितनी गोलियां लगी हुई हैं, कहां कहां पर गोलियां लगी हुई हैं और कोई गोली शरीर के अंदर फंसी तो नहीं है। वैसे जो पुलिस ने पुख्ता शुरुआती उसमें शरीर की जो जाँच की थी तो उसमें शक ये जताया जा रहा है कि अतीक अहमद को 9 गोलियाँ लगी हुई हैं और अशरफ को
7 गोलियां लगी हुई हैं, जिनमें कई गोलियां ऐसी होंगी जो आर पार हो गई होंगी और कुछ गोलियां ऐसी हो सकती हैं जो शरीर के अंदर फंसी हुई हों। तो सुबह 11 बजे के करीब पोस्टमार्टम कराए जाने की तैयारी है, जो प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हाउस नया बनाया गया है, वहीं पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। 5 डॉक्टरों का जो पैनल है वो पैनल पोस्टमार्टम करेगा, पूरे घटना की यानी पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जो पूरा शरीर है शरीर का एक्सरे भी कराया जाएगा और पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने में कई घंटे का वक्त लग सकता है। इस तरीके के भी संकेत, इस तरीके के भी जानकारी जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने हमें दिया है। क्यों मोहिन, जो आमतौर पर समय लगता है पोस्टमार्टम में, क्या उससे ज्यादा समय लगने का अनुमान जताया जा रहा है इन दोनों के पोस्टमार्टम के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए 5 डॉक्टर्स के का जो पैनल है वो पैनल पोस्टमार्टम करेगा। चूंकि शरीर में कई गोलियां दागी गई है, आमतौर पर होता है कि कहीं पर एक जगह इंजरी होती है तो सिर्फ उस हिस्से की जांच की जाती है, बाकी शरीर के जो दूसरे होते हैं उसमें बहुत गहराई से जांच नहीं की जाती है, फौरी तौर पर ही जाँच की जाती है। तो चूँकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, बहुत सेंसेशनल अंदाज में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और यही वजह है कि इस पूरे मामले में 5 डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा, एक्सरे कराया जाएगा। एक्सरे में सबसे ज्यादा वक्त लगता है, एक्सरे कराया जाएगा, 5 डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पूरे शरीर का चेकअप किया जाता है और कोई गोलियां अगर फंसी होती हैं तो गोलियों को बाहर भी निकाला जाता है। यही वजह है कि जो पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में वक्त लग सकता है 1.5 से 2 घंटे तक का वक्त लग सकता है या इससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। आप बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम सुबह 11 बजे होगा और अब जो आमतौर पर जो वक्त लगता है उससे ज्यादा वक्त लगेगा, 5 डॉक्टर्स का पैनल ये पोस्टमार्टम करेगा। तो पोस्टमार्टम हाउस के लिए चलते हैं प्रयागराज के, वहां पर नवीन पांडे मौजूद हैं हमारे संवाददाता, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं, वो वहां पर क्या देख रहे हैं। नवीन, ये हमारे दर्शकों को बताएं, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं और बात पोस्टमार्टम की हो रही है। नवीन जी बिल्कुल राजन जी, हम इस समय पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद हैं और आपको तस्वीरों दिखाना चाहेंगे। रात में ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की का शव पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुका है। मर्चरी के बाहर आप देख सकें किस तरह से ताला गेट में बंद है, हालांकि सुरक्षा के जवान नहीं देखने को मिले लेकिन मर्चरी हाउस के बाहर ताला बंद है, लिहाजा अंदर शव को रखा गया। आप देख सकते हैं अशरफ का कपड़ा देखने को मिल रहा है बाहर, जो ब्लैक कलर का कपड़ा आपको कैमरा पर्सन दिखाना चाहेंगे, वो कपड़ा अशरफ का देखने को मिल रहा है। तो रात में ही शव पहुँच गया है, 11 बजे के बाद शव का पोस्टमार्टम होगा, 5 डॉक्टरों का पैनल इन शव का पोस्टमार्टम करेगा, 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अभी इस पोस्टमार्टम हाउस के बाहर किसी तरह की फोर्स बल तैनात नहीं किए गए हैं। अगर बात की जाए और सुरक्षा की तो स्वरूप रानी हॉस्पिटल के बाहर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं, किसी को भी अंदर आने वालों को क्योंकि भीड़ ना लग जाए पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, लिहाजा जो भी हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है मरीज है या मरीज के परिजन है तो उनको उनकी जाँच की जा रही है, देखा जा रहा है, तब उन्हें अंदर आने दिया जा रहा है। तो फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की आपकी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से फिलहाल ताला बंद किया गया है। अतीक और अशरफ के शव को रात में ही यहाँ पर ला पहुँचा दिया गया था, अब 11 बजे का इंतजार है, 11 बजे के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा डॉक्टरों के पैनल द्वारा, जहाँ पर स्कैनिंग की जाएगी, शव को देखा जाएगा कितनी गोलियाँ हैं शव में ये जाना जाएगा। 9 गोलियाँ अतीक के शव में बताई जा रही हैं और 7 गोलियाँ अशरफ के शव में बताई जाने की सूचना है। तो डॉक्टरों का पैनल जब पोस्टमार्टम करेगा तो ये देखने को आएगा कि कितनी गोलियाँ अभी हतिक क्या के शरीर के अंदर है वो कितनी। ठीक है नवीन, आप बता रहे हैं कि बिल्कुल 5 डॉक्टर्स का पैनल करेगा और जो अब तक हुआ है एक बार अपने दर्शकों को वो दिखा दें और बता दें इस ताजा अपडेट के साथ ही, जो अब तक का घटनाक्रम है वो एक बार आप जरूर देख लें कि क्या हुआ है। ये अतीक अहमद का जो कुनबा है उसके बारे में एक बार आपको जानकारी दे दें, क्योंकि दोनों भाइयों की कल रात को हत्या हुई है, आपके मन में सवाल हो सकता है। ये देखिए आप अतीक के कुनबे के बारे में हम आपको बता रहे हैं, पूरा परिवार इसका क्यों कौन कौन है इसमें। अशरफ अतीक का भाई है, कल रात उसकी भी हत्या हुई अतीक अहमद के साथ। पत्नी शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी है, फरार है इस उमेश पाल मर्डर केस में, आरोपी है, इनामी है। उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है, अतीक का बड़ा बेटा है। इसके अलावा अली अहमद नैनी जेल में बंद है, यह अतीक का दूसरा बेटा है। असद अहमद जिसे 2 दिन पहले एनकाउंटर में ढेर कर दिया एसटीएफ ने, वो अतीक अहमद का तीसरा बेटा है। पूरा परिवार इसमें कौन कौन से सदस्य हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। चौथा बेटा अहजम अहमद इस वक्त बाल सुधार गृह में रखा गया है, ये पूरा परिवार अतीक अहमद का।
आप देख सकते हैं, दो की हत्या कल रात को की गई। असद को एनकाउंटर में एसटीएफ ने ढेर किया दो दिन पहले, और बाकी दो बेटे जेल में बंद हैं, एक बाल सुधार गृह में है, बल्कि दो बाल सुधार गृह में, दो उसके छोटे बेटे, चौथे और जो सबसे छोटा बेटा है वो बाल सुधार गृह में रखा गया है। तो ये पूरा परिवार है अतीक अहमद का, उसका पूरा कुनबा। ये सवाल आपके मन में हो सकता है इस हत्याकांड के बाद से और इस पूरे प्रकरण को जब से आप देख रहे होंगे कि परिवार में कौन कौन है, चूंकि परिवार के ही कई लोग इस मामले में आरोपी हैं, तो पूरे कुनबे के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना आप कुछ कहना आईडी वो हम दे देंगे तुमको। जिस प्रयागराज में अतीक अहमद का आतंक था, वहीं पर उसका खौफनाक अंजाम हुआ। आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना आप कुछ कहना आईडी वो हम दे देंगे तुमको। दस सेकंड के अंदर माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रयागराज में 50 दिन के भीतर ये दूसरा शूटआउट था, पहला वो जिसमें उमेश पाल की हत्या हुई और दूसरा ये जिसमें अतीक और उसका भाई अशरफ मारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कैमरा और माइक लेकर आए थे ये हत्यारे, तीन इनकी संख्या, तीनों के बारे में हमने आपको बताया। ये सोच कर आए थे, इस इरादे के साथ आए थे कि अगर जान जाती है तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन अतीक और अशरफ की हत्या हम करेंगे। और इसी बारे में हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जानकारी दे रहे हैं, और यही बात अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है। इसी के बारे में वीरेश आप बता भी रहे थे कि ग्रॉस इंटेलिजेंस फेलियर है। 24 फरवरी को उमेश पाल की जिस तरीके से हत्या की गई, उस वक्त भी इंटेलिजेंस फेलियर था, और कल रात को अतीक और अशरफ को जैसे गोली मारी गई फुल मीडिया ग्लेयर में, मीडिया के कैमरों के सामने, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। और ये बात तब और बड़ी हो जाती है जब आप ये जानकारी देते हैं साथ में कि ये कोर्ट में भी हत्या करना चाहते थे, वहां नहीं कर पाए, रेकी कर रहे थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया हुआ था, कुछ दिन वहां पर कक्षाएं की थी, और आखिरकार इन्होंने गोली मार दी। वीरेश, बहरहाल मुख्यमंत्री का नाराज होना बिल्कुल स्वाभाविक है, कोई भी शासन के प्रमुख जो होंगे, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा, उसको ये बात कैसे समझ में आ सकती है, उसका नाराज होना बिल्कुल समझा जा सकता है। तो इस बीच में उन्होंने किसको क्या निर्देश दिए हैं, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे। वीरेश, देखिए मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री का नाराज होना इसलिए जायज है कि यहाँ की का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, लखनऊ में बैठा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। देखिए इंटेलिजेंस की सबसे ज़्यादा दुर्गति हो गई है हाल फिलहाल में, उमेश पाल शूट आउट के ज़माने में भी इस बात का सवाल खड़ा किया गया था कि आखिर कैसे इंटेलिजेंस फेल्योर कर गया। इंटेलिजेंस, विजिलेंस और DGP एक ही व्यक्ति थे, और पता नहीं क्या वो इंटेलिजेंस देते थे, क्या वो विजिलेंस करते थे, और कौन सा वो DGP का काम करते थे। बहुत हाई प्रोफाइल उनका नाम भी हो गया था कि चौहान आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक कर देंगे, और कानून व्यवस्था की इस तरीके से पलीता हो गया। उनके समय में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कानून व्यवस्था का। उमेश पाल मर्डर कांड जो है 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, जी हाँ, मुख्यमंत्री के बनने के बाद सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा इस लिहाज से कि ऐसा कोई कांड नहीं हुआ था, और उमेश पाल मर्डर हुआ। वो मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था को लेकर बेहद संजीदा, और वो उनके दिल का विषय है, वो पहले कानून व्यवस्था को प्राथमिकता के स्तर पर उसकी समीक्षा करते हैं, अधिकारियों को टाइट करते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं लगातार अधिकारियों से, संडे को इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अधिकारी अपने जिले को छोड़कर। वीरेश, एक बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों को देते पहले बातचीत को, फिर आगे बढ़ाएंगे। बड़ी अपडेट, गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है, ताजा अपडेट, और छापेमारी जा पहुंची है महाराष्ट्र के नासिक तक, कई जगहों पर एसटीएफ ने छापे मारे हैं। नासिक में गुड्डू मुस्लिम के मौजूद होने की खबर है, और इसी के बारे में वीरेश बता भी रहे थे आप कि गुड्डू मुस्लिम का नाम अभी अतीक ने लिया ही था कि उसके ऊपर फायर झोंक दिया गया, कई फायर किए गए कल रात को, और इस बात के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर निर्देश दिए गुड्डू मुस्लिम की तलाश के, और उसकी नासिक में मौजूदगी की खबर है। क्या इस बाबत कोई ताजा जानकारी है आपके पास?
देखिए हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ने सोर्सेस से ये खबर डाली है, और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि मैं मुख्यमंत्री कार्यालय के सोर्सेस से मेरे पास भी जो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद से गुड्डू मुस्लिम की जो घेराबंदी है वो उसे बढ़ा दिया गया है। गुड्डू मुस्लिम के नासिक में मौजूदगी की खबर मिल रही है। जी हाँ, गुड्डू मुस्लिम, जैसा कि मैंने आपसे बात करते हुए 5 मिनट पहले ही कहा है कि गुड्डू मुस्लिम की घेराबंदी कर ली गई है। मैंने आपसे कहा कि गुड्डू मुस्लिम की घेराबंदी कर ली गई और गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही अतीक पर फायर झोंक दिया गया। गुड्डू मुस्लिम की प्लेयर है, की प्लेयर है। उमेश पाल हत्याकांड से लेकर अतीक और अशरफ की हत्या तक, जैसे ही अतीक नाम लेता है गुड्डू मुस्लिम का, उसके ऊपर फायर कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए की प्लेयर के तौर पर गुड्डू मुस्लिम को देखा जा रहा है, और यही मुख्यमंत्री ने अपने आला अधिकारियों से कहा है, एसटीएफ के लोगों से कहा है कि गुड्डू मुस्लिम हर तरीके से हमें जिंदा चाहिए। गुड्डू मुस्लिम हर तरीके से हमें जिंदा चाहिए, मुख्यमंत्री का यह निर्देश है। बड़ी खबर एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दूं, मुख्यमंत्री ने एसटीएफ और अपने आला अधिकारियों को यह चेतावनी दी है कि गुड्डू मुस्लिम हमें जिंदा चाहिए। जी हां, जिंदा चाहिए गुड्डू मुस्लिम, और ताकि ये सारी चीजें, सारी परतें, सारी जो कलई वो खुल कर रहे, क्योंकि अतीक ने जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया वैसे ही उसके ऊपर हमला होता है। ये पूरा मामला पाकिस्तान से भी जुड़ता है, आईएसआई से भी जुड़ रहा है, पंजाब से भी जुड़ रहा है। पंजाब में किस तरीके से द्रोण के जरिए हथियारों का जो खेप, द्रोण के जरिए जो बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का जो खेप आया है, वीरेश रोकेंगे आपको, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। लेकिन बातचीत करने के लिए इस वक्त अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मिश्रा जी, ये खबर आ रही है कि जो आरोपी है और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है, वो आज सरेंडर कर सकती है, क्या इस बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बता पाएंगे? जी, ऐसा भी कुछ स्पष्ट कहना उचित नहीं है, क्योंकि अभी ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। लेकिन हाँ, ये संभावना बनी हुई है कि शाइस्ता परवीन जी जो है आज सरेंडर कर सकती है। जी नहीं, चूंकि आप वकील हैं, आप कानूनी सलाहकार रहे हैं अतीक अहमद के, कल रात उनकी हत्या कर दी गई, वो हम सब ने देखा। इस बात, इस घटना के बाद अब आप क्या लीगल एक्शन आगे ले सकते हैं? क्योंकि न्यायालय द्वारा जो है सुरक्षा का पूरा जो है आदेश प्राप्त था हमें, और माननीय न्यायालय द्वारा भी जो है सुरक्षा का पूरा आदेश था, फिर उस सुरक्षा के आदेश का पालन पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है, तो उसको हम पूरी तरह लीगल तरीके से उसको न्यायालय में प्रस्तुत करूंगा, पूरे तथ्यों से प्रस्तुत न्यायालय को अवगत कराएंगे, उससे जो न्यायालय का निर्णय आएगा फिर वो सब बात होगा। तो किस न्यायालय का अप्रोच करेंगे आप इसके लिए, चूंकि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, वहां पर दरखास्त भी की गई थी कि ऐसा हो सकता है मैं सुरक्षित नहीं हूं। जी जी, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया हुआ था, हाई कोर्ट माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय ने जो है ये आदेश हमें पारित किया था 21/3/2023 को, 21 मार्च 2023 को आदेश दिया था कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था में पूरा ध्यान दिया जाए। तो हम इस मामले को उच्च न्यायालय और सीजीएम कोर्ट ने भी रिमांड के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का विशेष व्यवस्था ध्यान देने को कहा गया था प्रशासन को, तो हम सीजीएम कोर्ट में भी इस बात को जो है ले जाएंगे, बात को ले जाएंगे। लेकिन आप चाहेंगे क्या कोर्ट से? कोर्ट से हम इसमें जो है सही तथ्यों के जो घटनाक्रम पूरा हुआ इसकी जांच की मांग करेंगे, इसको जो है न्यायिक अधिकार द्वारा इसकी मांग की जो है वो करेंगे हम, और इस पर जो है कुछ ऐसा मतलब कहेंगे कि जो है इसकी बिल्कुल स्पष्ट जांच हो। जी, अगर शाइस्ता परवीन आज सरेंडर करती हैं, उस सूरत में ये मामला जो है लीगली कैसे आगे बढ़ेगा मिश्रा जी? अगर शाइस्ता परवीन जी सरेंडर करते हैं तो आज न्यायालय में सरेंडर करेंगे, अगर आज सरेंडर करेंगी तो जो पुलिस प्रशासन को ही सरेंडर करेंगी। ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि अब अतीक और अशरफ की कल रात को हत्या की गई, तो जाहिर सी बात है कुछ वक्त बाद जब भी उनके परिजन चाहेंगे तो उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। क्या आपके पास कोई जानकारी है कि इस दौरान अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो कि अलेज्ड है, जो कि आरोपी है, वो आ सकती है वहां पर, या वो इस तरह की परमिशन ले सकती है? मिश्रा जी, इसकी जानकारी तो भी नहीं है। जी, इसकी जानकारी है। आप चूंकि वकील हैं और चूंकि सारा मामला आप देख रहे हैं लीगली, और आपने कहा कि कोर्ट ने कहा था कि सुरक्षा प्रदान की जाए, सुरक्षित रखा जाए आरोपियों को इस मामले में रिमांड पर लेने के बाद, अब जबकि पुलिस की कस्टडी में हत्या हुई है, तो आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं मिश्रा जी? उसके लिए जिम्मेदार तो पुलिस प्रशासन ही है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में अगर मौत होती है तो पुलिस ही जिम्मेदार है इसकी। जी, पुलिस के किस स्तर के अधिकारी या कौन व्यक्ति जिम्मेदार माना जाएगा कानूनी तौर पर मिश्रा जी?
कानूनी तौर पर तो जो है विवेचक से लेकर जो है उच्च अधिकारी तक इसके जिम्मेदार है, क्योंकि जो हाईकोर्ट का आदेश था वो उच्च अधिकारियों के लिए भी था, हायर अथॉरिटी को आदेश दिया गया था सुरक्षा को लेकर। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए विजय मिश्रा जी। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा भी हमसे बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वो उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट जाएंगे, सीजीएम कोर्ट जाएंगे और वहां पर ये सारा प्रकरण कस्टडी में हत्या का कोर्ट के सामने रखेंगे, चूंकि कोर्ट ने सुरक्षा देने के लिए कहा था। अतीक अहमद ने पहले आशंका जाहिर की थी कि यूपी पुलिस की कस्टडी में वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसको यूपी पुलिस के हवाले न किया जाए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उसके बाद अभी विजय मिश्रा जो कि वकील थे अतीक अहमद के और अभी हैं भी, वो ये कह रहे थे कि ये मामला पूरी तरह से पुलिस का ही है, उनकी कस्टडी में यह हत्या की गई है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है और विवेचक से लगाए बड़े अधिकारी तक इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे और इस प्रकरण को लेकर वो सीजीएम कोर्ट भी जाएंगे और हाई कोर्ट भी जाएंगे। ये अभी अभी एबीपी गंगा से बातचीत में अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने कहा है। शाइस्ता परवीन की सरेंडर के बारे में भी संभावना उन्होंने व्यक्त की है, ये संभावना भी अतीक अहमद के वकील ने व्यक्त की अभी अभी एबीपी गंगा पर कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। लेकिन जब सवाल किया गया कि क्या जनाजे में या सुपुर्दे खाक करने के दौरान वो सरेंडर करने के बाद मौजूद रहना चाहेगी या इस प्रकार की कोई जानकारी है, तो इस पर विजय मिश्रा जो कि वकील हैं अतीक अहमद के, उनका कहना था कि इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। सुरक्षा पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर, पुलिस द्वारा दी गई सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि अतीक अहमद ने इस बात की आशंका पहले भी कोर्ट के सामने जाहिर की थी, इसलिए यह सवाल अपने आप में और बड़ा हो जाता है और इसी सवाल को लेकर वो कोर्ट के सामने जाएंगे। विजय मिश्रा ने अभी अभी एबीपी गंगा से कहा कि ये जो हत्या हुई है इस सारी बात को लेकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जाएंगे और वो सीजीएम कोर्ट भी जाएंगे। स्वाभाविक है एक वकील के पास यही विकल्प हो भी सकता है। वीरेश पांडे जो कि लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, वीरेश लगातार आप सारी बात सुन रहे थे, अभी विजय मिश्रा जो बात कह रहे थे वो सारी बात आपने भी सुनी होगी, हमारे तमाम दर्शकों ने तो खैर सुनी है। शाइस्ता परवीन के सरेंडर के बारे में संभावना उनकी बातों से भी जाहिर हो रही थी कि अब चूंकि अतीक और अशरफ की हत्या हो गई है और गुड्डू मुस्लिम की तलाश सरगर्मी से जारी है एसटीएफ के द्वारा, असद को एनकाउंटर में एसटीएफ ने ढेर कर दिया है, तो शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है, क्या इस बाबत कोई भी इनपुट आपके पास है वीरेश जी? राजेंद्र, आपने जैसे ही शाइस्ता परवीन के बारे में पूछा, एक बड़ी खबर शाइस्ता परवीन के हवाले से आ रही है। शाइस्ता परवीन के सामने आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पुलिस सोर्सेज का कहना है कि शाइस्ता परवीन अंतिम संस्कार में शामिल होंगी, शाइस्ता परवीन अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती है, चर्चा है कि दोपहर तक वो सामने आ सकती है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है, पति के अपने यानी अतीक अहमद के संस्कार में और अपने देवर के संस्कार में, अंतिम संस्कार में शामिल होने की कोशिश कर सकती है शाइस्ता परवीन, पुलिस के सामने सरेंडर भी कर सकती है। शाइस्ता परवीन के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज शूटआउट मामले में शाइस्ता परवीन के हवाले से एक बड़ी खबर आ सकती है, वो सरेंडर भी कर सकती है और अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती है। 50,000 की इनामिया है शाइस्ता परवीन, जिसने बसपा से मेयर बनने का सपना देखा था, बसपा को ज्वाइन किया था और मेयर के कैंडिडेट के तौर पर बसपा ने उसे यहां के जोनल कोऑर्डिनेटर ने घोषित भी किया था, उसकी उम्मीदवारी पूरी तरीके से पक्का थी, तय थी। वैसे ही उमेश पाल मर्डर होता है और फिर आनन फानन में मायावती स्टेप उठाती हैं कि शाइस्ता परवीन को पार्टी से टिकट नहीं दिया जाएगा, यानी उसे मेयर का टिकट नहीं दिया जाएगा। शाइस्ता परवीन काफी सक्रिय भूमिका निभाती रही है अतीक अहमद के जेल जाने के बाद। माना यह जा रहा है कि लेडी डॉन के तौर पर शाइस्ता परवीन ने जो अतीक का साम्राज्य है उसे संभालने की कोशिश की थी। शाइस्ता परवीन 50,000 का इनामिया है और शाइस्ता परवीन को इनाम घोषित किया गया, शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है आज, पुलिस के हवाले अपने को कर सकती है और साथ ही साथ माना यह जा रहा है कि 50,000 का इनामिया शाइस्ता परवीन दोपहर तक सामने आ सकती है और अपने पति मरहूम अतीक अहमद की संस्कार में शामिल हो सकती है। यह शाइस्ता परवीन के हवाले से बड़ी खबर। और एक और खबर आपको मैं दे दूं कि 10 बजे यूपी सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजेगी। राजेंद्र, 10 बजे यूपी सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजेगी। कल रात एमएचए ने
प्रयागराज मामले पर रिपोर्ट तलब की थी यूपी सरकार से। और भी बड़ी खबर आपको आ रही, मैं बता रहा हूं कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा से बेहद नाराज बताए जाते हैं, उन्हें हटाया जा सकता है। इंटेलिजेंस फेल्योर होने से सीएम बेहद नाराज हैं। तीनों हत्यारोपियों की बातचीत में बहुत सारे खुलासे सामने आए हैं राजेंद्र, अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे हैं और उस खुलासे को अगर आप वक्त दें तो मैं क्रमबद्ध तरीके से इसके हवाले से, मेरे पास वो खबर आ गई है, पूछताछ में बहुत कड़ाई से पूछताछ में तीनों हत्यारोपियों ने बड़े खुलासे किए हैं। अगर मैं पढ़ूं तो वो खुलासे हैं कि हमारे बेगुनाह भाइयों की लोगों की हत्या करता रहा है अतीक और उसका गैंग, इसलिए हमने बदला लिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पूछताछ में तीनों हत्यारोपियों ने इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की है, धार्मिक रंग देने की कोशिश की है इन हत्यारोपियों ने। उन्होंने कहा है कि हमने धर्म का काम किया है, अन्याय का अंत किया है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें फांसी दे दी जाए तो भी हम हंसी हंसी फांसी पर चढ़ जाएंगे, हमने अपना काम कर लिया है। पूछताछ में काफी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं हत्यारोपी, हमने धर्म का काज किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि उन्हें कोई मलाल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा हमला पूरी तरीके से फिदाइन हमला था, फिदाइन इस लिहाज से था कि हमने कोई एग्जिट प्लान बनाया नहीं था, एग्जिट प्लान कल दिखा भी नहीं था। यहां से उन्होंने भागने की कोई कोशिश नहीं की, अगर उनके ऊपर गोलियां चलती तो चल जाती, उन्होंने पूछताछ में यह बताया है। इसलिए उन्होंने साफ किया है कि उन्हें कोई मलाल नहीं है, धर्म का काज किया है, अन्याय का अंत किया है, इन शब्दों की वो बात कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत ही बड़ी खबर ये आ रही है, जो घटना स्थल आप देख रहे हैं, यहां पर वो जो हत्यारोपी हैं मारने के बाद सरेंडर करते हैं, अपने रिवाल्वर को फेंकते हैं, कहते हैं कि सरेंडर करेंगे सरेंडर करेंगे। उन्हें इस बात का खौफ नहीं था कि पुलिस उनको गोलियों से छलनी कर सकती है, क्योंकि पुलिस के घेराबंदी में, पुलिस की हथकड़ी में अशरफ और अतीक ले जाए जा रहे थे। बात तो इंटेलिजेंस फेल्योर की आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है कि आखिर इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ कैसे। एबीपी गंगा सवाल पूछता है, सरकार से सवाल पूछता है कि इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ कैसे। हत्यारोपियों का जो जिस तरीके से बयान आ रहा है वो पूरी तरीके से फिदाइन मोड में है, हालांकि जो हत्यारोपी हैं अपने आका का नाम नहीं ले रहे हैं, किसके इशारे पर उन्होंने ये काम किया है उसका नाम वो नहीं ले रहे हैं। जो हत्यारोपी है, भाई साहब क्यों वीडियो बना रहे हो हमारा? धीरेंद्र कुमार। धीरेंद्र कुमार क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हो? सिविल का काम करता हूँ, इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हो? जी। कहाँ से डिग्री लिए हो? मैं औरंगाबाद बिहार से। हमारा हमारे हम लोगों की रिपोर्टिंग का वीडियो क्यों बना रहे हो? नहीं, आपकी वीडियो नहीं पहुँचाओगे इस वीडियो को? कहीं नहीं, नहीं। कहाँ रहते हो तुम? मैं यहाँ भी होटल में रहता हूँ। होटल में रहते हो? अच्छा, होटल में यहाँ रहते हो? जी जी। कब से आकर रुके हो यहाँ? मैं कल ही आया हूँ सर। कल यहाँ आए? जी जी। तो यहाँ आके सारी रिकॉर्डिंग करके कहाँ भेजोगे तुम? कहीं नहीं सर, कहीं। कहाँ तुम्हारा कहाँ से ताल्लुक है? कहीं से ताल्लुक नहीं है। कोई तो होगा, माँ बाप है? कहाँ से? हाँ, माँ बाप है। मैं औरंगाबाद बिहार से। औरंगाबाद बिहार से हो? जी जी। यहाँ इसी होटल में क्यों रुके हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया था। किस जगह काम करते हो? मुझे सिविल लाइन में, वहाँ। राजेंद्र, ये लगातार वीडियो बना रहे थे, हमारी नजर जब गई तो हमारे साथियों ने भी बताया कि ये लगातार जो भी रिपोर्टिंग कर रहा है यहाँ पर उसकी वीडियो बना रहे हैं। हमारे दूसरे चैनल के जो साथी हैं उनका ये वीडियो बना रहे हैं। ऐसे केवल एकमात्र शख्स, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, कोई भी ये काम नहीं कर रहा है। सभी लोग हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं और अपनी बातों को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, खामोश हैं। लेकिन ये शख्स लगातार हर चैनल के बोलने वालों का वीडियो बना रहा है। भैया, तुम तो संदिग्ध लगते हो, कहाँ से आए हो तुम, पहले बताओ अपना पूरा परिचय। मैं औरंगाबाद बिहार। ये वीडियो दिखाओ जरा। मोबाइल भी मेरा स्विच ऑफ हो गया। कहीं नहीं, कहीं तो भेजना चाह रहे हो? मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ तो तुम सातिर लग रहे हो कहीं से? नहीं नहीं, कहीं से। तुम सब सारे चैनल्स का बता रहे हो, अभी तुमने हमारे दूसरे चैनल का वीडियो बनाया, जब मैंने बोलना शुरू किया तुमने वीडियो बनाया। फोटो फोटो ले रहे? फोटो ले रहे थे घटना स्थल का? जी जी। अच्छा, यहाँ वो लगा है क्या? नहीं, उसी का मैं। यहाँ कोई फोटो प्रदर्शनी है? नहीं नहीं सर। बिल्कुल वीरेश, इनको इस बात को सूचित किया जाए,
इनकी जिज्ञासा अगर मीडिया की रिपोर्टिंग देखने की है तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई और मकसद हो तो इसके बारे में पुलिस को पता लगाना चाहिए। बहरहाल अब हम नवीन के पास चलेंगे। नहीं, ये बॉटम हाउस के बाहर मौजूद है इस वक्त, एक बार उनके पास चलते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो वहां पर क्या कोई हलचल देख रहे हैं, चूंकि पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही होगी। नवीन, वहां पर क्या आपको अंदाजा लग रहा है ये प्रक्रिया वहां पर शुरू कब से हो जाएगी, चूंकि उसके पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। नवीन, 11 बजे का समय बताया गया था कि 11 बजे के बाद से पोस्टमार्टम के लिए जो 5 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम बनी है वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेगी, तो लिहाजा 11 बजे इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से हलचल देखने को मिल रही है। जो पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे कि बाहर मौजूद हैं, बाहर वो पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पोस्टमार्टम हाउस की, तो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अभी भी ताला देखने को मिल रहा है, लेकिन सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए उस तरह के इंतजाम फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस के बाहर नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि हॉस्पिटल के बाहर जरूर फोर्स बल तैनात किए गए हैं, प्रशासनिक सिपाहियों का जमावड़ा है, पीएससी के जवानों का जमावड़ा है, और जो भी अंदर आ रहा है उनकी चेकिंग अलग से की जा रही है। लेकिन अभी भी 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, 11 बजे के बाद पोस्टमार्टम के लिए जो 5 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम बनी है वो पोस्टमार्टम हाउस पहुँचेगी और पोस्टमार्टम करेगी। जो जानकारी मिल रही है कि पोस्टमार्टम किया जाना है, उसके बाद शवों का स्कैनिंग की जाएगी, शवों का एक्सरे किया जाएगा और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि के अंदर कितनी गोलियां मौजूद हैं या फिर गोलियां निकल गई हैं। जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, जानकारियों के अनुसार अशरफ में के अंदर 7 गोली लगी है और अतीक को 9 गोलियां बताई जा रही हैं। तो अब देखने वाली बात होगी डॉक्टरों की टीम कब अंदर पहुंचती है। 11 बजे का चूंकि समय बताया गया है, 11 बजे के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा जब पोस्टमार्टम किया जाएगा, और पोस्टमार्टम के बाद ये बातें निकल के आएंगी। अभी अभी तो वहां गेट पर ताला लगा हुआ है, अतीक को लगी है या फिर अशरफ को लगी है। ठीक है, पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम 5 डॉक्टर्स का पैनल करेगा। ये भी बात निकलकर सामने आई है कि जो औसतन जो साधारण तौर पर जो समय लगता है पोस्टमार्टम में, उससे ज्यादा वक्त लगेगा। नवीन, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर ताला लटका हुआ है, अभी उसकी कोई हलचल नहीं है, कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन जो आप जानकारी दे रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी इस पोस्टमार्टम की। वापस आपको घटनास्थल पर लिए चलते हैं, वीरेश पांडे लगातार वहां से हमें जानकारियां दे रहे हैं। और वीरेश, आप बता रहे थे कि इन लोगों ने क्या चौंकाने वाली बातें कही हैं, वो जो 3 हत्यारे जिन्होंने कल अतीक और अशरफ को गोली मारी पुलिस की कस्टडी में, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो चौंका सकती हैं लोगों को, उसका आप जिक्र कर रहे थे सिलसिलेवार, वो बातें हम फिर से सुनना चाहेंगे। वीरेश, देखिए राजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों 1 महीने पहले यहाँ के एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराता है, उन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या सिविल सर्विसेज हो या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी की एक बहुत प्रसिद्ध कोचिंग है, वहाँ उन्होंने 1 महीने पहले एडमिशन लिया, 1 हफ्ते उन्होंने पढ़ाई वहाँ की और बैठ कर उन्होंने पढ़ाई की, फिर रेकी की, फिर उन्होंने लगातार ये कोशिश की, उन्हें इस बात का पूछताछ में पूरी तरीके से भरोसा था कि अशरफ और अतीक को यूपी सरकार ज़रूर लेकर आएगी, प्रयागराज में कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनसे प्रयागराज शूटआउट मामले में पूछताछ की जाएगी, और आखिर वही होता है और वो दोनों यहां आते हैं। पूछताछ में वो चौंकाने वाली बात करता है, तीनों कहते हैं, और तीनों में खास बात ये है, तीनों में एक बात को लेकर क्लैरिटी है और तीनों इस बात को कह रहे हैं कि हमने धर्म का काज किया है, अन्यायी का अंत किया है, और 100 से ज्यादा मुकदमे, 100 से ज्यादा एफआईआर, 100 से ज्यादा धार्मिक नारे भी लगाए थे कल वीरेश, चूंकि आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं इसलिए मैं बात जोड़ रहा हूं इसमें, क्या कल नारे भी लगाए गए थे? जी राजेंद्र, मैं बस उसी पे आने वाला हूं। बहुत बड़ी बात मैंने कहा आपसे कि तीनों हत्यारोपियों से पूछताछ में एक बात बहुत कॉमन है और वो बात है धर्म का काम, धर्म के काज का। वो कहते हैं कि हमने धर्म का काज किया है, तीनों इस बात को कह रहे हैं, लेकिन तीनों अपने आका का नाम नहीं ले रहे हैं। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पूछताछ के बीच बीच में वो जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। पुलिस इन तीनों हत्यारोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। जी हाँ, पुलिस इन तीनों हत्यारोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, और बात मैं आपको बताऊं कि सब में एक कॉमन बात है कि धर्म के काज की वो लड़ाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने वो किया, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, हम फांसी पर चढ़ जाएं तो भी हमें कोई बिल्कुल ठीक है। वीरेश, आप जो बात कह रहे हैं इस पर अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट देखिए, ये जो नारे लगाने वाली बात का जिक्र किया वीरेश ने और अभी जो पूछताछ में कह रहे हैं इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। दस सेकेंड
10 राउंड फायरिंग और अतीक अशरफ का सरेआम मर्डर। मीडिया के दर्जनों कैमरे थे, 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे, अस्पताल के बाहर चहल पहल वाला इलाका था, लेकिन शूटरों को किसी का भी खौफ नहीं था। इन हमलावरों में कोई भी प्रयागराज का नहीं है, एक मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा तो दूसरा हमीरपुर का। पिछले 3 दिन से यातीक और अशरफ रेकी कर रहे थे। जिस पल्सर बाइक से ये हमलावर पहुंचे थे, उस बाइक के नंबर की भी जांच की जा रही। जवाब इस बात का तलाशा जा रहा कि बाइक किसकी है और कहां से लाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। ये रिपोर्ट आपने देखी, कल रात को जो कुछ हुआ, कल को जैसे गोलियां मारी इन 3 हत्यारों ने पुलिस की कस्टडी में, उससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तीनों से पूछताछ में बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं और इसी का जिक्र अभी वीरेश कर रहे थे। एक कॉमन बात सभी कह रहे हैं वो ये कि हमने धर्म का काम किया है। तीनों सूत्रधार के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि किसके कहने पर उन्होंने सब कुछ किया है। पूछताछ में और भी तमाम जानकारियां वो दे रहे हैं, उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमने धर्म का काम किया है, हमने सरेंडर कर दिया, हमारा वहां से भागने का कोई प्लान ही नहीं था, हमने हत्या की लेकिन वो धर्म का काम था और इसीलिए हमने सरेंडर किया। बीच बीच में वो धार्मिक नारे भी लगा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है इन तीनों से पूछताछ के बारे में जो पुलिस लगातार कर रही है। कल इन्होंने गोलियां मारी और उसके बाद इन्होंने भागने का कोई प्रयास नहीं किया, पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया वहां पर, और उसके बाद जब पूछताछ शुरू की है तो ये बातें सामने आ रही हैं। ये कह रहे हैं हमने धर्म का काम किया, धार्मिक नारे पूछताछ के दौरान भी लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इनका सूत्रधार कौन है, किसके इशारे पर, किसके कहने पर ये सारी बातें की जा रही हैं। ये बड़ी जानकारी, इन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है इस हत्या का। ये लगातार ये प्रयास कर रहे थे ये भी कह रहे हैं, ये प्रयागराज में मौजूद थे कुछ दिनों से ये भी कह रहे हैं। ये शुरू से आपसे कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है बल्कि रूल बाय गन को चला रही है, और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी ये सिलसिला चल रहा है। और हर बार जब कभी भी हम मीडिया से बात करते थे, बल्कि हम अपने भाषण में, अपने स्पीचेस में इस बात को दोहरा रहे थे, मगर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम रेटरिक के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आप लोगों को और देश के सामने आंकड़े रखे कि कैसे लोगों को गोली से निशाना बनाया जा रहा है, और जिससे भारत का संविधान में लोगों का यकीन कम होगा, जिससे हमारे कोर्ट्स में, जजेस में, प्रोबेबली प्रोसिक्यूटर को उनका काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो ये हुआ, और हम इसका, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए, मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं, जो कोर्ट्स पर यकीन करते हैं, जो संविधान पर यकीन करते हैं, वो आज अपने आप को कल की इस दरिंदगी और बेदर्दी के साथ जिन लोगों को मारा गया जो जुडिशियल कस्टडी में थे, उन पर कन्विक्शन हो गया था, उनको अदालत से, वो जेल से लाया जा रहा था किसी और एक और केस में इंट्रोगेशन करने के बाद, तो उसको आप जुडिशियल कस्टडी भी बोलेंगे, पुलिस कस्टडी बोल सकते हैं, मगर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर वो भारत का नागरिक जो अपने आप को, अपने मुल्क पर फख्र करता है इसलिए कि यहाँ पर संविधान है, कोर्ट्स है, उसको इस बात का फख्र है कि पाकिस्तान से एक आतंकवादी आकर भारत के नागरिक को जान लिया था, तो हमने उस पर कोर्ट में केस चलाकर उसको सजा दी।
आज वो सब लोग कमजोर और अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं, वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहे हैं। कल का जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठे हुए हैं उनमें राय बराबर भी, जो अंग्रेजी का वर्ड है ना कंपैशन है, ना उनमें ह्यूमैनिटी है, ना उनमें रहम है, ना उनमें इंसानियत है। ये जो कल का वाकया हुआ, आप बताइए मेरे को, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाकर फौरन किसी को गोली मार दिया। आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखो, आप जिस तरीके से वो लोग आए और उनका हाथ स्टिल है एकदम। मुझे भी वेपन चलाना आता है, मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लिया हूं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और जिस तरीके से मार रहे वो लोग, उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है, उनकी आंख उस पर है, उन लोगों पर है। उनको मालूम था कि पहले कहां पर किस जगह पर मारना। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और ये लोग प्रोफेशनल हैं, और कितना इसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार का इसमें रोल है, कितना इसमें ये कौन लोग हैं जो जाकर पुलिस की मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में, बल्कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, वो इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ, प्लीड करता हूँ, क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे, तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड तरीके से उनको टाइम दिया जाए, और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऑफिसर ना हो, एक टाइम बाउंड तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे, और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए। क्योंकि ये बात मैं कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये लोग सिर्फ उठकर आए, कौन इनको बोला वहां पर, इनका बैकग्राउंड क्या है, और कैसे वो लोग इस तरह घुस गए वहां पर, और क्यों पुलिस ने उनको रोका नहीं। तो ये जरूरी है, हम तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो लेगा, एक इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट बनाएगा जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे, और उसमें बेहतर होगा कि कोई भी उत्तर प्रदेश का ऑफिसर ना हो, क्योंकि उनकी मौजूदगी में, उनकी कस्टडी में इन दो लोगों की हत्या की गई है। और एक बात आप समझिए कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है, बराबर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। अगर बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है और इस मसले को बीजेपी नहीं देख रही है, तो बीजेपी देश की खिदमत नहीं कर रही है। ये कौन है, अगर ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए, और इतना वेपन उनके पास कहां से आया, ये कोई कट्टे नहीं थे,
एक साथ मारे जा रहे हैं और कहीं पर भी वेपन ब्लॉक नहीं होता उनका। उनका हाथ देखिए आप, ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स है। अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है तो ये लोग ये रेडिकलाइज हाईली रेडिकलाइज है और बीजेपी इसको ब्रश असाइड करती है, नहीं 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 कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई कैसा नहीं हो रहा है, देखो ना ये लोग कौन है, गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग, तुम लोग वल्चर्स हो, अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। ये क्यों आप भूल रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा, यही इंसानियत के ऊपर ये बर्बादी होगी, जब क्या करेंगे आप लोग? जश्न मना रहे थे, मनाइए जश्न आज आप। हम यही कह रहे थे कि जश्न मनाओ जब जमहूरियत कामयाब होगी, जश्न मनाओ जब कोर्ट सजा देगा, जश्न मनाओ जब संविधान और मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। मगर आप लोग जश्न मना रहे हैं कि हो गया एनकाउंटर। अब देखिए, पहले जब तक लाइव विजुअल्स नहीं आए थे, कई टीवी चैनल ने चला दिया एनकाउंटर हो गया उन लोगों का, उसके बाद जैसे ही मीडिया के सामने पिक्चर्स आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।